सत्यम शिवम सुंदरम रूल ऑफ डेवलपमेंट एसोसिएट की तरफ से जो हम यहाँ पे क्लासेस दे रहे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें एमएस वर्ड के बारे में आज मैं बताती हूँ। फर्स्ट टाइम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसके बाद हम फर्स्ट क्या करना चाहिए, बॉर्डर लेना है हमको। पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर ओके, ये हो गया हमारा पेज बॉर्डर। इसके बाद पेज कलर, ये भी हो गया हमारा पेज कलर। अभी हमको बनाना है स्टूडेंट रजिस्टर, तो फर्स्ट जो बनाना है हमारा, पहले हेडिंग लिख लेना, सुंदर अभी इसको सेलेक्ट करके होम में जाके साइज बड़ा करना है वहाँ को। यहाँ पर जाके यह हमारा साइज बड़ा हो गया। अभी इसको हम इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट, यहाँ पर हम स्टाइल्स चेंज कर लेना ऐसे ओके। और ये हमारे रूलर स्केल हमारी यहाँ तक ही टाइप करते, थोड़ा यहाँ पर स्केल बढ़ा लेना तो मैटर हमारा ऊपर चले जाता। इसके बाद इंटर ले लेना। अभी हम बना रहे स्टूडेंट रजिस्टर, तो स्टूडेंट्स रजिस्टर, और इसको भी हम इसको भी दोनों हैंडराइटिंग को हम अपर केस करेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट करना, इसके बाद अपर केस, और इसको थोड़ा सेंटर में ले लेना। और फॉन्ट कलर रजिस्टर बनाने के लिए टेबल लेना, इंसर्ट में जाके टेबल, जितने कॉलम्स लगते उतने कॉलम्स ले लेना रजिस्टर के लिए। यहाँ पे अब मेरे को पेपर कॉलम सेट करना है, सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम लेना है। तो फर्स्ट हम कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में स्टूडेंट नेम, थर्ड में एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन कुछ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कास्ट, फिर नेक्स्ट कॉलम है एड्रेस, नेक्स्ट कॉलम है टाइमिंग, फिर यहाँ पे फोटो नेक्स्ट कॉलम है, फिर लास्ट कॉलम है सिग्नेचर। अभी हम इसको सेट करना, और ये सभी को फॉन्ट को अपर केस करना, होम में जाके अपर केस। जो ऊपर जो सेम कलर था नीचे सेम कलर नहीं रखना, थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट्स कलर। और हमको कॉलम्स लेना है इसमें, डिज़ाइन टेबल में जाके पेंसिल लेना, फिर और कॉलम्स टेबल बढ़ा लेना।
तेल हमारी नंबर डाल लेने के बाद यही कलर करने का आना है तो कॉल नंबर्स को सेलेक्ट कर लो, वही कलर कर दो। अभी यहाँ पर स्टूडेंट नेम शहनाज बेगम, नेक्स्ट एजुकेशन 10th, कास्ट मुस्लिम, एड्रेस कॉलोनी बीदर। अभी ये कॉलम हमारा बड़ा हो गया क्योंकि ये हमारा हैंडराइटिंग फॉन्ट बड़ा हो गया। टाइमिंग 11 AM, फोटो एंड सिग्नेचर। तो इस तरह से हम कॉलम्स लेके स्टूडेंट रजिस्टर बना सकते हैं। अभी हमारे पास पेपर इतना है, इसके आगे के अभी हमको 30 होना है तो 30 भी हम बना सकते हैं। सेम टेबल में जाके हम स्केल पेंसिल लेना, फिर यहाँ पर भी सेम बॉक्स ले लेके 30 स्टूडेंट्स का हम रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एंड 30। फिर ऐसे कॉलम्स ले लेना और उसको सस पेंसिल यूज करके ये हो गया हमारे 30 स्टूडेंट्स के रजिस्टर बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया। अभी बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें हम फ्लप करके हमारे डॉक्यूमेंट्स हम रेडी कर सकते हैं। और ये हमारी जो हेडिंग है, ये हेडिंग को अगर हम आपको अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हमारा हेडिंग का कलर अलग रहना और हमारे जो सेल नंबर स्टूडेंट्स एजुकेशन कास्ट इसका कलर अलग रहना।
ठीक है।